परिषदी स्कूलों के अभूतपूर्व परिवर्तन का एक एहसास कराते हैं। नमस्कार, मैं दीक्षा hindnews.live से स्वागत करती हूं आपका लखनऊ के गोसाईगंज स्थित अपर प्राइमरी स्कूल महमूदपुर में। चलिए हम बात करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल नीता यादव जी से। आपके स्कूल के बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, ये मेरे पूरे स्टाफ की बहुत मेहनत है, उनकी अथक प्रयास है, जिसके कारण हमारे यहाँ बच्चों का जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, कल्चरल है या स्पोर्ट्स में, बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप देख सकती हैं जो हमारी छात्र संख्या, जब से मैंने इंचार्ज बनी तो 2204 थी, जो आज 434 है, और हमारे विद्यालय की लगातार बढ़ती हुई छात्र संख्या ये दिखाती है कि गांव के लोगों में सरकारी संस्था के प्रति विश्वास बढ़ा है। और यहां पर जो 18 गांव के बच्चे आते हैं, इसके साथ ही चूंकि सारे विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों ने जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनको लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसके साथ ही साथ जो हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं, हमने उनको बताया है कि भाई स्कूल में तो जो पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर घर में उसकी पुनरावृत्ति, उसको दोहराया नहीं जाएगा, उसको याद नहीं किया जाएगा, तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसमें सभी लोगों का एक सम्मिलित सहयोग है, जिसमें यहाँ के बच्चे नाम रोशन कर रहे हैं मंडल स्तर। मैम, देखा जाता है कि गांव के स्कूलों में रेगुलरिटी और हाइजीन की समस्या होती है, तो इसके बारे में आपने क्या किया? के लिए मैंने बच्चों को ही लीडर बना रखा है, बच्चों के ग्रुप, उनकी समितियां बना रखी हैं, जैसे कि अनुशासन समिति है, स्वच्छता समिति है, और बच्चों को देखने के लिए एक मध्याह्न भोजन समिति है। यहाँ तक कि जो अधिकतर काम हमारे यहाँ ये समिति के बच्चे ही करते हैं, जैसे स्वच्छता, सुबह मॉर्निंग में बच्चे सारे सही से ड्रेसअप है कि नहीं, आप मेरे यहाँ पूरे बच्चों को देखिए, बच्चे अच्छे से पूरे ड्रेसअप रहेंगे, उनके मंडे को नेल्स चेक होते हैं, और इसके साथ जब खाना खाते समय हमारी स्वच्छता मध्याह्न भोजन समिति ये देखती है कि एक एक प्लेट बच्चे धुल के ले रहे हैं या नहीं, बच्चे हाथ धो रहे हैं कि नहीं, खाने से पहले, खाने के बाद वॉश करके बैठे। तो इस ये सारा जो है बच्चों के भी सहयोग से हम इस चीज़ को नियमित बना पाए हैं। गांव में बच्चों में, खासतौर से गर्ल स्टूडेंट में ड्रॉप आउट की काफ़ी गंभीर समस्या है, तो इस इशू को आपने कैसे मैनेज किया? हाँ, इस इशू को मैम मैनेज करने के लिए हमारा जो मीना मंच है, मीना मंच की गर्ल्स में अगर किसी बच्चे की, जैसे कि पहले क्या था, जब हम शुरू में थे तो 7 से 8 में जब बच्चे आते थे तो उनके किसी की शादी हो रही है या शादी के कारण 8वें के बाद माता पिता उन्हें पढ़ाना पसंद नहीं करते थे, नहीं भेजते थे, लेकिन आज ये स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। तो उसमें हमारी मीना मंच की जो लड़कियां हैं और जो बच्चे हैं और बॉयज़ भी, उन्होंने काफ़ी इसमें सहयोग किया, जो वो हमें आके बताते थे कि मैम उस बच्ची की शादी तय हो गई है या शादी कर रहे हैं, अर्ली मैरिज कर रहे हैं, तो हमने उन्होंने माता पिता से उनसे काउंसलिंग की, उन्हें समझाया, और भी बाहरी संस्थाओं का भी हमने सहयोग लिया, तो अब जो है ये ड्रॉप आउट वाली समस्या लगभग ख़त्म ही हो चुकी है। बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, आगे यहाँ से जाने के बाद सभी बच्चे जो है अपना नए विद्यालय में नामांकन कराते हैं, आगे पढ़ते हैं। मैम, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए स्पोर्ट्स और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बहुत महत्वपूर्णता है, तो इसके लिए आपका स्कूल क्या करता है? इसके लिए हमारे यहाँ जो समय सारणी है, समय सारणी के हिसाब से, चाहे वो लाइब्रेरी का पीरियड हो, तो उसमें भी हम रेगुलर जैसे रीडिंग कैंपेन जो सरकार के द्वारा चलते हैं या सरकार के द्वारा जितनी भी जो भी एक्टिविटी हर माह की आती है, उसमें हम बढ़ चढ़ के हमारे बच्चे हिस्सा लेते हैं, हम लोग उस चीज़ को अपने पाठ्यक्रम में हमेशा लागू रखते हैं, करते रहते हैं। दीक्षा ऐप के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, स्मार्ट क्लास के माध्यम से, लैब में प्रयोगशाला के माध्यम से, इन सब से बच्चों की टीचिंग की जाती है, तो इसमें एकेडमिक स्तर में सुधार होता है। साथ ही साथ हम कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ज़िले में ही और मंडल पे भी लगातार 4थी बार प्रतिन गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, और बैडमिंटन में भी हमने गोल्ड मेडल हासिल किया है। नेशनल लेवल टैलेंट स्कॉलरशिप में आपके स्कूल से 41 बच्चों को स्थान मिला है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? 41 बच्चे मिले हैं, तो इसके लिए मैं अपने जो मेरे पूरे स्टाफ की बहुत मेहनत है। शायद मेरे हिसाब से उत्तर प्रदेश का ये पहला विद्यालय है जहां 2017 से लगातार आज तक राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा में बच्चे पास हो रहे हैं, और हम लगातार इसके लिए कोशिश करते हैं।
इस वर्ष तो मैंने अगस्त से संडे को भी, कोई भी संडे मैंने ऐसे छुट्टी नहीं की, और हर संडे मैंने इसकी मॉडल टेस्ट पेपर, आप देख सकते हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर जो थे फोटोकॉपी करा के बराबर बच्चों को दिए, और उनसे जिस तरीके से, चूंकि जब एग्ज़ाम में जाते हैं जो उनको OMR शीट मिलती है तो कई बच्चे फिल नहीं करना जानते, उसका हमने पहले से ही इस बार अभ्यास रखा। मैम, पहले के मुकाबले आपके स्कूल का जो बच्चों का अटेंडेंस परसेंटेज है वो कितना बढ़ा है? 85% बच्चे जो है हमारे विद्यालय में रेगुलर रहते हैं, काफ़ी अच्छी छात्र संख्या रहती है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कैसे दी जाती है। भारत के पड़ोसी देश बता लीजिए, कौन बताएगा, खड़े होके बताओ। पाकिस्तान। पाकिस्तान। मैम, जो ये मिड डे मील का मेन्यू है, ये हर रोज अलग अलग होता है या सेम ही रहता है? नहीं, अलग रहता है। जैसे मंडे को एक फल मिलता है बच्चों को, रोटी और सब्जी होती है, मंगलवार को सांभर चावल या दाल चावल रहता है, बुधवार को तहरी खीर रहती है। तो खाना जो है एकदम गर्म, पौष्टिक और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? हाई स्टडी इन क्लास 8। और आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ अमन यादव। पहले मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था, यहाँ की पढ़ाई अच्छी होती है, मैंने दोस्तों से सुना था बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मैं यहाँ आया तो मुझे पता भी चला यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मैं पढ़ता भी हूँ यहाँ पे। यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं जो कि हम करते हैं और हमें अच्छा लगता है यहाँ पे। हमारे साथ गाँव के प्रधान जी भी मौजूद हैं। प्रधान जी, आपके गाँव के स्कूल में इतने सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हमारे स्कूल में सकारात्मक बदलाव में बहुत ही अच्छा परिवर्तन आया है, जब से यहाँ पर नीता मैम आई हैं और इतना अच्छा स्कूल प्रबंधन आया है, तब से काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। क्योंकि हमारे विद्यालय के बच्चे जिला स्तर पे कंपटीशन भी करते हैं, उसमें सफल होकर आते हैं। प्रधान जी, आप भी इसी स्कूल से पढ़े हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने इस विद्यालय से पढ़ा हूँ, आज यही का प्रधान हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये विद्यालय, मेरा एक सपना है कि मैं इस विद्यालय को अपने देश लेवल पर ले जाऊँ, देश में टॉप पे इस विद्यालय आए। आपके गाँव में जो ये विद्यालय है इसमें आप क्या बदलाव देख रहे हैं? इसमें बदलाव तो काफ़ी हुआ है, जैसे कि आज से करीब 10 साल पहले यहाँ पर उतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी, बच्चों को बैठने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, साफ़ सफाई भी कम अच्छी रहती थी थोड़ा, और पठन पाठन जो होता था वो भी थोड़ा कम अच्छे दर्जे का था। लेकिन अब काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है, यहाँ पर नीता मैम है, वो बहुत अच्छा बच्चों को सब जो है सुचारू रूप से विद्यालय को भी चला रही हैं और अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा देखभाल कर रही हैं अपने बच्चों के लिए। गाँव के बच्चे मंडल लेवल पे प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, हमारे गांव के 3 बच्चे लगभग उसमें आए हैं, प्रथम स्थान पाया है उन्होंने, तो ये बहुत अच्छी उपलब्धि एक हासिल की है उन्होंने, और ये सब यहाँ विद्यालय के ही शिक्षकों के द्वारा जो उन्हें ट्रेनिंग दी गई और अच्छी शिक्षा दी गई, सब उसी का, ये कह सकते हैं सब उन्हीं का योगदान है। आपका नाम क्या है? पल्लवी। तुम्हारा फ्यूचर गोल क्या है, तुम्हें बनना क्या है बड़े होकर? मुझे सिंगर बनना है, क्योंकि मैं, मुझे सिंगर, सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है। इसके लिए कुछ प्रिपरेशन कर रही हो? हाँ, यहाँ पे बच्चों को स्कूल में सिंगिंग भी सिखाई जाती है और मैं भी सीखती हूँ। आज हमारी सोच सरकारी स्कूलों की तरफ बदल रही है, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ने लगी है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सफलताएं हासिल की जा रही है। हम आशा करते हैं देश के सभी सरकारी स्कूल आने वाली पीढ़ी को एक उज्जवल भारत हासिल करने में मदद करें। हिंद न्यूज़.लाइव से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।